Assalamualaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start the exercise of chapter 16, जिसमें हम देखते हैं exercise कैसे. देखिए exercise है. The following actions happen in present tense. Fill in the blanks in present tense form of the verbs in the bracket. यहाँ पर जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं उसमें जो एक्शन हो रहे हैं वो प्रेजेंट में हुए हैं. इस वजह से जो ब्रैकेट में वर्ब की हुई है उसको आपको प्रेजेंट फॉर्म में यूज करना है. हम जानते हैं प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब की अलग फॉर्म होती है, पास्ट में अलग होती है और फ्यूचर में अलग होती है. तो इसमें हमें प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का यूज करना है. जैसे पहला सेंटेंस है इसमें ही डज हिज हेयर आफ्टर बाथ. यहाँ पर जो वर्ब दी हुई वो है टॉम. तो ही आपका सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब के साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं. सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन ये है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. यहाँ पर वर्ब आपके टॉम, टॉम का सिंगुलर फॉर्म होता है टॉम. क्या लगा होगा? एस लगा होगा. जब वर्ब में हम एस लगा देते तो यहाँ इसमें चेंज हो जाती है, सिंगुलर में चेंज हो जाती है, जैसा कि हम चैप्टर में सीखे. तो होगा ही कॉम्स. थर्ड में है श्वेता. हर ट्वाइस श्वेता बोर्ड. यहाँ पर श्वेता की बात हो रही है. श्वेता एक नाउन है क्योंकि एक गर्ल एक पर्सन का नाम है और ये सिंगुलर है. तो सिंगुलर के साथ हम इसके साथ भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. यहाँ वर्ब क्या दिए गए की, तो की का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है इसमें हमें एस लगाना होगा. ये सिंगुलर में चेंज हो जाए. ये हुई थर्ड. अब आते हैं फिफ्थ की तरफ. फिफ्थ आई डैश डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स. यहाँ पर देखिए आपका आई आ रहा है फर्स्ट पर्सन आई. तो आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. तो प्लूरल वर्ब गैदर की क्या होगी? गैदरिंग होगी. हम जानते हैं वर्ब प्लूरल कैसे करती है. यस यस जब जब लगा नहीं होता है वर्ब में तो वो वर्ब आपकी प्लूरल कहलाती है. इसी तरह से सिक्स को देखें. लिखा है माई फ्रेंड एंड आई. मेरा दोस्त और मैं. कितने लोगों की बात हो रही है? दो लोगों की बात हो रही है. जब दो लोगों की बात हो रही है तो ये प्लूरल हुआ हमारा सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब को भी हम क्या यूज करना है? प्लूरल. तो वर्ब की प्लूरल क्या होगी? वर्ब की. क्योंकि इसमें यस यस नहीं लगा है इसलिए प्लूरल. इसी तरह से इसके रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उन्हें भी आप कंप्लीट कर लें. बात है एक्सरसाइज बी पर. देखिए एक्सरसाइज बी में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है आपको. जो ब्लैंक सॉरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हुए हैं उनके करेक्ट फॉर्म को यूज करना है. अगर प्रेजेंट में कह रहा है सेंटेंस तो प्रेजेंट में, पास्ट में सेंटेंस है तो पास्ट फॉर्म को यूज करना है. जैसे पहला सेंटेंस है वी डेस द नेशनल एंथम एवरी डे. हर रोज हम नेशनल एंथम गाते हैं. तो यहाँ पर डेली की एक्टिविटीज दिखाई जा रही है. हैबिचुअल एक्शन को दिखा जा रहा है, किसी आदती काम को दिखाया जा रहा है और आदती काम को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या यूज करना है? प्रेजेंट टेंस यूज करना है. तो वी के साथ आता है वी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है. इस वजह से वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी और सिंग का प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर होता है. वी सिंग. सेकंड ए कैट. एक कैट मतलब एक कैट. अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर. तो लाइट का सिंगुलर होता है लाइट्स. इसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे. ये सिंगुलर हो जाएगा. थर्ड को देखते हैं सम एनिमल्स. कुछ जानवरों की बात हो रही है तो कुछ जानवर जब कहा जा रहा है तो एक से ज्यादा जानवर आ जाएंगे. यानी जी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्यूरल है तो वर्ब भी आपकी प्यूरल होगी. तो कम प्यूरल क्या हो जाएगा? कम. इसी तरह से फोर्थ में आपका आई.
अभी आप सीखे हैं आई आपका फर्स्ट पर्सन है और आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, तो आई के साथ आपका गो आ जाएगा, तो आई गो होगा। तो फोर्थ में आप सीख करेंगे गो। नेक्स्ट देखते हैं सी को। देखिए सी में क्या कहा जा रहा है, इसमें भी ब्रैकेट में वर्ब नहीं हुए हैं, उनका करेक्ट फॉर्म आपको फिल करना। अब यहाँ पर आपको ये पहले पहचानना होगा कि ये प्रेजेंट में बातें कही जा रही हैं पास्ट। जैसे पहला है वी डैश्ड द पार्क यस्टरडे, यहाँ पर देखिए लगा हुआ यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीते हुए कल हम पार्क में गए थे, तो ये जो एक्शन है वो गुजरे हुए कल की बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर जो वर्ब है हम उसको पास्ट से यूज करना है, यहाँ पर वर्ब जो यूज हुई वो है गो और गो की पास्ट होती है विल। आपको बताया गया था कुछ वर्ब थे उनके वर्ब्स को लिखवाया गया था, बताया गया था, उनको बोला गया था आप उन्हें लर्न कर लेंगे, तो उसमें जब देखेंगे गो का आपका पास्ट फॉर्म विल होगा, तो होगा वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, वी डैश मेनी गेम्स। अब यहाँ पर जो भी बातें होंगी, जो भी एक्शन होंगे, सब किसमें होंगे, पास्ट में होंगे, क्योंकि गुजरे हुए कल की बातें सारी बताई जा रही है, तो जो भी आप वर्ब यूज करेंगे वो सब कैसे होंगे, पास्ट फॉर्म के होंगे। तो प्ले का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले प्ले इजी लर्निंग, वी प्ले मेनी गेम्स देयर, हम वहां बहुत सारे गेम खेले थे। माय फ्रेंड डैश ए पप्पी, मेरे दोस्त ने एक पप्पी कैच, कैच का भी आपको पास्ट फॉर्म फिल करना है, तो कैच का पास्ट फॉर्म होता है कॉट, मेरे दोस्त ने एक पप्पी को पकड़ा था। उसके बाद की जो ब्लैंक स्पेस है उन्हें भी आपको पास्ट फॉर्म में फिल कर देना है, जैसे मेक का पास्ट फॉर्म, बाय का पास्ट फॉर्म और ईट है ईट का भी पास्ट फॉर्म आपको फिल करना है। फिर एक्सरसाइज थी, अब आगे आ गया एक्सरसाइज डी का। डी में है फिल इन द ब्लैंक नीच सेट इन द प्रेजेंट टेंस एंड द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी है। अब इसमें देखिए नीचे सेंटेंस है, एक सेंटेंस के अंदर दो एक नंबर के अंदर दो सेंटेंस हैं, पेयर में है, उनमें आपको एक को फिल करना है प्रेजेंट टेंस में और दूसरे को फिल करना है आपको पास्ट टेंस में। अब समझना पड़ेगा कौन सा प्रेजेंट में है कौन सा पास्ट में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि आपको प्ले वर्ब का यूज करना है, तो देखते हैं फर्स्ट में ए सेंटेंस, वी डैश वीडियो गेम जस्ट नाउ, यहाँ पर देखिए जस्ट नाउ इसी से हमें पता चलेगा प्रेजेंट में होगी या पास्ट में। जस्ट नाउ मतलब अभी, अभी का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट फॉर्म फिल करेंगे, तो प्ले का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, प्ले होगा, प्ले का प्रेजेंट फॉर्म प्ले होगा। बी को देखते हैं, वी डैश लूडो यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, और बीते हुए कल को हम कहते हैं पास्ट, तो जब पास्ट की बात होती है तो हम वर्ब को भी पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, यहाँ पर वर्ब आपको प्ले का पास्ट फॉर्म लिखना है, तो प्ले का पास्ट फॉर्म होता है प्ले, हो जाएगा वी प्ले लूडो यस्टरडे। अब सेकेंड की तरफ आते हैं, सेकेंड में आपको फिल करना है लिव, ये वर्ब आती है, ये सेंटेंस को देखते हैं, लिखा है द ट्रेन ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग, हर सुबह ट्रेन टाइम पर होती है छूटती है, यहाँ पर हर सुबह की बात हो रही है, फिर हैबिट्स की बात हो रही है, जब भी हैबिट्स की बात होगी हमेशा प्रेजेंट टेंस होगा, तो लिव का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा लिव। यहाँ पर इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वर्ब को भी आप सिंगुलर यूज करेंगे, तो जब भी प्रेजेंट लिखते हैं तो ये भी देखते हैं कि वर्ब क्या हमारा है, वर्ब सिंगुलर तो सिंगुलर और वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल।
दूसरा द ट्रेन स्टेशन एंड आवर्स अगो, कह रहा है एक घंटे पहले ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी है, रवाना हो चुकी है। यहाँ पर एक घंटा पहले की बात कर रहा है, जब एक घंटा पहले की बात कर रहा है इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट लीव पास्ट होता है लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट एट द स्टेशन एंड आवर्स अगो, ये हो जाएगा सेकेंड। इसी तरह से इसके थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को भी आप फिल कर देंगे, ठीक है। जिसमें भी आपको लगे पास्ट वाले कोई वर्ड यूज हुआ है तुरंत उसमें आपको पास्ट फॉर्म यूज करना है। इसी तरह से आप इसके मेन पार्ट्स में